सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2 वर्ष से लेकर के और 9 वर्ष तक की कन्या के पूजन का विधान है। 2 वर्ष से कम की कन्या का पूजन भी वैसे देवी मानकर करें अच्छी बात है, लेकिन 9 कन्याओं में उसका पूजन नहीं लिया है, क्योंकि उसको गंध आदि का कोई बोध नहीं है कि मुझे चंदन लगाया जा रहा है कि मेरी आरती की जा रही है। इसलिए 9 कन्याओं का पूजन जो होता है उसमें 1 वर्ष की कन्या को नहीं, 2 वर्ष की कम से कम हो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 10 वर्ष तक की कन्या को लेना है और 9 कन्याओं की पूजा करनी है, विधि पूर्वक करनी है। पहले कन्याओं को घर में बुलाकर उनके चरण धुलाएं, चरण धुला करके उनके चरणों को कपड़े से पोंछ करके उनको अच्छे आसन पर विराजमान करें, उनको सुंदर लाल चुनरी ओढ़ाएं। ऐसा नहीं कि नवमी में ही पूजा करें, नवमी के दिन पर कन्याएं नहीं मिलती भोजन के लिए, और पर बेचारी कन्याओं की बड़ी आफत के वो यहां खाएं कि वहां खाएं। प्रतिपदा से ही पूजन करिए, प्रतिपदा को 1 कन्या का पूजन करें, द्वितीया को 2 कन्याओं का पूजन करें, तृतीया को 3 कन्याओं का, ऐसा भी विधान देवी भागवत में वर्णित है। अथवा आज 1 वर्ष प्रतिपदा को 2 वर्ष की कन्या का पूजन करें, द्वितीया तिथि में 3 वर्ष की कन्या का पूजन करें, तृतीया तिथि में 4 वर्ष की कन्या का, ऐसे क्रम से भी आप कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, अथवा 1 साथ 9 कन्याओं का पूजन भी कर सकते हैं, जैसी सुविधा हो। पर देवी पूजा के साथ कन्या पूजन होना चाहिए।